हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाय मॉम्स। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट मार्बल केक। ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी में मैं जो भी मेजरमेंट्स आपको बनाऊंगी, आपको वैसे ही लेना है। किसी भी बेकिंग की रेसिपी में मेजरमेंट्स का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें हमने 1 कप पाउडर शुगर लेना है। उसके साथ हम उसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑलिव ऑयल और 1 कप मिल्क। जो पाउडर शुगर है वो आप नॉर्मल शुगर को ग्राइंड करके उसका पाउडर शुगर बना सकते हैं, और चाहिए तो छान भी सकते हैं। छानने से उसका मोटा मोटा निकल जाएगा। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे अगला इंग्रेडिएंट, जो कि है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। उसको भी मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे 1.5 कप मैदा, उसको हम छान लेंगे उसी मिक्सचर में। इसको उसमें छानने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 यानी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। मेजरमेंट जो मैंने बताए हैं वैसे ही लेना है। देखिए हमारा स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 बर्तन में अलग अलग ले लेंगे, और एक पार्ट में यानी एक बर्तन में हम 4 टीस्पून कोकोआ पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप चॉकलेट सिरप या मेल्टेड चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमको एक पार्ट में चॉकलेट फ्लेवर लाना है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर ये आपको बहुत ही ड्राई और थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए, एंड देन उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसका एक स्मूथ बैटर बना लें। तो हमारे पास अब 2 बैटर हो गए, एक वनीला बैटर और ये एक चॉकलेट बैटर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा मार्बल केक बनेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब हमको क्या करना है। हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है दोनों भी। तो हमारा जो केक टिन है हम उसमें थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, उसका बेस भी ग्रीस कर लेंगे और साइड्स भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद हमको बैटर कैसे इसमें डालना है वो ध्यान देने वाली चीज़ है, तो वो ध्यान से देखिए। तो हमको दोनों बैटर को इक्वल क्वांटिटी में सेंटर में डालना है, और उसको बिल्कुल भी खुद से फैलाना नहीं है, ये अपने आप ही स्प्रेड होकर चारों तरफ ऐसे गोल डिज़ाइन बन जाएगा। आपको सिर्फ 1-1 चम्मच अल्टरनेटिवली एक बार उसका वनीला का और एक बार चॉकलेट का ऐसे बैटर डालना है। तो देखिए इस तरीके से ऐसे गोल बन जाएगा सर्कल। और फिर उसके बाद आप एक नाइफ ले लीजिए और नाइफ की मदद से आप इस तरीके से उसमें कट्स लगाइए सेंटर से, एक बार बाहर की तरफ एक बार अंदर की तरफ, तो ऐसे फ्लावर जैसा डिज़ाइन आ जाएगा। इसके बाद ओवन को प्रीहीट कर लेंगे 355 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और ओवन में हम इसको बेक कर लेंगे। टोटल बेक टाइम 40-45 मिनट्स लगता है, लेकिन आप 30 मिनट्स बाद एक बार चेक कर लीजिए कि आपका केक कितना बाकी है। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना और, यानी 5 मिनट्स, 7 मिनट्स, 10 मिनट्स कितना और बेक करने की ज़रूरत है। तो चेक करने के लिए कुछ नहीं, आप सिर्फ उसमें नाइफ सेंटर में डाल के देख लीजिए कि वो क्लीन आ रहा है या नहीं। अगर वो क्लीन आ रहा है दैट मीन्स वो पक चुका है, अच्छे से बेक हो चुका है। अगर वो क्लीन नहीं आ रहा है तो आप उसको थोड़ी देर और बेक कीजिए। देखिए हमारा केक बन के तैयार हो गया, और ये बहुत ही इजीली बाहर आ जाता है। जस्ट एक प्लेट पे आप उल्टा करके निकालेंगे और वो बाहर आ जाएगा, और हमारा ये केक बनकर तैयार है। और इसको बाहर निकालने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि उसको थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि बहुत गर्म होता है।
तो ठंडा होने के बाद ही इसे प्लेट में निकालिए। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है और ये खाने में डिलीशियस लगता है बहुत ही ज़्यादा। किसी फ्रॉस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप ये रेसिपी अपने घर पे बनाकर देखिए और अपने अनुभव फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू।